हेलो मेरे भाइयों और दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरा पहला व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त ओखला और यूपी बॉर्डर के बिल्कुल बीच में। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये यमुना नदी बह रही है और इस तरफ जो है आपका ये रोड चलता है, यहाँ पे ये ओखला है। तो इस तरफ मेरे राइट साइड दिल्ली है और मेरे लेफ्ट साइड में जो है आपका ये नोएडा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे यमुना नदी बह रही है और उधर रोड चल रहा है। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे और आज हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला व्लॉग। आ चुके हैं हम ओखला और यहाँ इस जगह का नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और सच बताऊँ तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। मैं दिल्ली में यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ और जब भी मुझे मेरा माइंड डिस्टर्ब होता था या कुछ भी, तो मैं ओखला में मतलब यहाँ आ जाता था और इस जगह में सीरियसली बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही मतलब मज़ा आता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बात करते हैं इस जगह के बारे में और अपने फर्स्ट व्लॉग के बारे में। गाइस, यार सच बताऊँ तो मुझे एक्चुअली क्यों ज़रूरत पड़ी फर्स्ट व्लॉग बनाने की, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का या कुछ भी। जेन्युइनली एक सडनली मैं रात में लेटा हुआ था और मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैं किसी की वीडियो देख रहा था, मतलब एक बड़े व्लॉगर की वीडियो देख रहा था। तो उसकी वीडियो देखते हुए मतलब मेरे माइंड में अचानक एक थॉट आया, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का ऑलरेडी बहुत शौक है, बहुत मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बट मैं जॉब के पर्पज़ से, क्योंकि मैं दिल्ली 4 साल से रह रहा हूँ और इन 4 सालों में मुझे इतना बिज़ी रहा लाइफ में कि मैं कभी भी मतलब इधर उधर नहीं जा सकता। तो गाइज़ यार ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट है और प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है और आप यहाँ का नज़ारा देखें कितना ब्यूटीफुल है। तो प्लीज़ गाइज़ आप मुझे सपोर्ट करें और इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझ में कितना स्ट्रेंथ है और ये मेरा स्टार्टिंग है और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करेगा। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखें। एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग से मुझे 4 इयर्स यहाँ पे हो चुके हैं एंड तो एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बचपन में एक इन्वेस्टर थे जिनका नाम था वॉरेन बफेट। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जानते होंगे वॉरेन बफेट के बारे में। तो उन्होंने बचपन में मतलब देखा कि उनके घर के सामने एक मशीन लगी हुई थी जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोका कोला की जो वो थी ना, मतलब हर तरह की कोल्ड, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स थे, कोका कोला थी एंड और बहुत सी ब्रांड्स थे। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने देखा सडनली कि सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो ढक्कन होते हैं वो किस चीज़ के हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ढक्कन थे वो कोका कोला के थे। दैन सडनली गाइज आपको यकीन नहीं होगा कि उस बंदे ने वो ढक्कन जो है इकट्ठे करे और उसने कोका कोला के उस टाइम शेयर ख़रीद लिए। और आप यकीन नहीं जानेंगे आज के टाइम में वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी के इन्वेस्टर रह चुके हैं और इतनी कोका कोला कंपनी इतनी नहीं कमाती होगी जितना वो उस रिटर्न से कमा लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जो है कितना पावरफुल वे है किसी को ग्रोथ करने के लिए। तो खैर ये रही बात इन्वेस्टमेंट की और अब आगे हम बात करते हैं अपने व्लॉग से रिलेटेड। तो ये इसी से रिलेटेड मेरा पहला व्लॉग है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और इसी के साथ ये मेरा पहला व्लॉग ख़त्म होता है, बट इससे पहले मैं आपको यहाँ के कुछ व्यूज़ और कुछ और दिखाना चाहता हूँ आगे जाके। थैंक यू, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।